السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर उन कुफार और मुशरिकीन के हालात का तज़किरा कर रहा है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके पास अंबिया इकराम को मबूस फरमाया और उन अबियों ने उनको तौहीद की दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया, मगर वो तौहीद की दावत को मानने से एराज कर गए। और जब उन नबियों ने उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से डराना शुरू किया तो बजाय इसके कि वो उन नबियों के वो नबी जो उनको अज़ाब इलाही से डरा रहे थे ताकि वो सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो सके, इस्लाम कबूल कर सके, कुरान और सुन्नत की इत्तबा कर सके, लेकिन उनका रिएक्शन कुछ और ही था। बजाय इसके कि वो इस दावत को कबूल करते वो खुद ही उस अजाब इलाही के मुतमन्नी हो गए और कहा और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद, अगर तुम सच्चे मेरे से हो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो वो अजाब जिसका तुम वादा करके हमें हमसे वादा कर रहे हो या वो अजाब जिसे तुम हमको डरा रहे हो वो हमारे ऊपर ले आओ, हम उस अजाब के लिए रेडी और तैयार हैं। तो वही अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है लो यअलमुल लदीना कफरू हिन ला यकफून अन वजूहिहिम नार, कि अगर ये कुफार जान ले हिन ला यकफून अन वजूहिहिम नार, उस वक्त का जब वो अपने चेहरों से अजाब को हटा ना सकेंगे, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन जब उनको जहन्नम के अंदर डाल देगा, जहन्नम उनका बसेरा होगा, उस जहन्नम के अंदर वो रहेंगे और लायकुफून अन वजूहिहिमुन्नार वो अपने चेहरों से जहन्नम के अजाब को हटा नहीं सकेंगे, वला अन ज़ुहूरिहिम और ना ही उसको अपने पीठ से उस अजाब का दिफा कर सकेंगे यानी हटा सकेंगे, वला हुम युनसरून और ना ही उनका कोई मददगार होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि किस बिना पर कौन सी ऐसी चीज है जो तुमको इस बात पर उभार रही है कि तुम अज़ाब इलाही के मुतमन्नी हो, यानी ना तुमने उसके लिए तैयारी की है ना तुमने इस्लाम की दावत कबूल की, उसके बाद जब वो नबी तुमको उस अजाब से डरा रहा है और तुम उस अजाब के मुतमन्नी हो, उस अजाब के तलबगार हो, और यहाँ तक कि ना तुम लोग उसको अपने चेहरे से और ना ही अपने पीठ से हटा सकते हो और ना ही तुम्हारा कोई यहाँ पर मददगार होगा, बल तातीहिम बगतन फतवहतुहुम फला यस्ततीउन रद्दहा वला युनज़रून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ये मुशरिकीन ये कुफार इस अजाब की जल्दी में लगे हुए हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं और उस अजाब को ढूंढ रहे हैं, बल तातीहिम बगतन बल्कि वो अजाब उनके ऊपर, बल्कि वो कयामत उनके ऊपर फुजअतन अचानक आएगी, फतवहतुहुम फिर उनको हक्का बक्का करके रख देगी, फिर वो क्या होंगे, मुतहय्यिर होंगे, शशो पंज में रहेंगे, फला यस्ततीउना रद्दहा
ना तो वो उसको अपने ऊपर से हटा सकते हैं, ना उस अजाब को अपने जिस्म से अपने ऊपर से हटा सकते हैं। वला हुम मुंदरून, और ना ही उनको जरा सी मोहलत दी जाएगी, और ना ही उनके ना तो उनके तौबा उनको तौबा करने के लिए मोहलत दी जाएगी, और ना ही उनके उज़्र कबूल किए जाएंगे, कुछ भी नहीं। वला हुम युंदरून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जरा बराबर भी मोहलत नहीं देगा। वलकद इस्तुहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक फहाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा है, कह रहा है कि ऐ मोहम्मद गम खाने की जरूरत नहीं है, गमजदा होने की जरूरत नहीं है। वलकद इस्तुहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक, आपसे पहले रसूल भी उनका भी मजाक उड़ाया गया, उनका भी इस्तेहज़ा किया गया, उनके साथ भी सुखरियाबाजी की गई। वलकद इस्तुहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक, आपसे पहले के रसूलों के साथ भी इस्तेहज़ा किया गया, उनका भी मजाक उड़ाया गया। जब उन लोगों ने लोगों को तौहीद की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की दावत दी, तो इन कुफार ने उन मुशरिकीनों ने उन नबियों का भी मजाक उड़ाया, उनको भी बुरा भला कहा। तो इनके बुरा भला कहने से, इनके मजाक उड़ाने से आप बिल्कुल भी गमजदा मत होइए, आप टेंशन मत लीजिए। فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, پس کیا ہوا, فَحَاقَ آ کر گھیر لیا, بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ان میں سے ان لوگوں کو جو انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے تھے, مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اس چیز کے ذریعے جس کے ذریعے وہ ان انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے تھے, یعنی انبیاء کرام کا جس چیز کے ذریعے یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کفار مشرکین, اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے, اے رسول کہہ دیجئے ان کفار سے, ان مشرکین سے, من یکلؤکم باللیل والنہار, کون ہے وہ ذات یا کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے, باللیل والنہار من الرحمن, اللہ رب العالمین سے, یعنی اللہ رب العالمین کے عذاب سے. بل ہم عن ذکر ربهم معرضون, بلکہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ذکر سے, اللہ رب العالمین کے ممائز سے کیا ہیں, غافل ہیں, اعراض کرنے والے ہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ کفار, یہ مشرکین جو انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں, جو اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں, ایک اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں, من یکلؤکم, تو ان سے آپ کہہ دیجئے محمد کون ان کی حفاظت کرتا ہے, باللیل, رات کے اندر, جب رات کی اندھیری ہوتی, رات اندھیری ہوتی ہے, یہ سوتے ہیں, اس وقت ان کی حفاظت کون کرتا ہے, والنہاری, اور اسی طریقے سے جب یہ دن کے اندر جاگتے ہیں, یہاں اس ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں, حادثات سے اور تمام قسم کے مصائب سے, دنیا کے دن کے اندر کون ان کی حفاظت کرتا ہے, کون ان کو بچاتا ہے, من الرحمن, من الرحمن ای من عذاب الرحمن, اللہ رب العالمین کے عذاب سے. بل ہم, بلکہ ان کی حالت کیا ہے, ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے, یعنی قرآن سے, اور ان مواعظ اور نصیحت سے جو ان کو رسول کرتے ہیں, ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں, ان تمام چیزوں سے ان کی حفاظت کون کرتا ہے, کون ان کو بچاتا ہے. ام لهم آلیۃ تمنعهم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یسحبون. ام لهم, کیا ان کے لیے
कोई ऐसा माबूद है जो कि तमनाउ मिन दूनिना, जो हमारे अलावा हमारे अजाब से इनको बचाता है। अमलहुम आलियतुन, क्या इनके लिए कोई माबूद है तमनाउहुम, जो इनको महफूज करता बचाता है, मिन दूनिना ऐ मिन हमारे अलावा, यानी हमारे अलावा भी कोई ऐसा है जो इनको हमारे अजाब से बचाता है, कोई माबूद है। ला यस्ततीउन नसर अनफुसिहिम, बल्कि ये उन माबूदों की जिनकी ये पूजा करते हैं, उन पत्थर की, उन शजरो हजर की जिनकी ये पूजा करते हैं, ला यस्ततीउन अयंसुर अनफुसहुम, बल्कि उनकी हालत तो ये है कि वो खुद अपने आप की जरा भी मदद नहीं कर सकते हैं। फकैफ यंसुरून आबिदहुम, तो कैसे आबिदीहिम, तो कैसे ये लोग उन ये बुत, ये शजरो हजर और ये चरिंदो परिंद, ये औसान, ये तिमसाल जिसको ये अपने हाथों से बनाते हैं, तराशते हैं, जिनके ऊपर आकर के अगर कुत्ता पेशाब कर दे तो उसको भी डरा नहीं सकते, जिनके ऊपर अगर चढ़ावा चढ़ाया हुआ है तो मक्खी आए छीन के ले जा सके तो उसको भी रोक नहीं सकते हैं। ये तिमसाल, ये असनाम, ये शजरो हजर, ये बुत जिनकी ये इबादत करते हैं, अगर इनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आए तो वो खुद ही अपना डिफेंस नहीं कर सकते, अपने ऊपर से अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब को नहीं हटा सकते हैं, तो कैसे ये कुफार के, इन मुशरिक लोगों के जिनको ये लोग पूछते हैं, उनके अजाब को उनके ऊपर से हटा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वला हुम मिन्ना युसहबून, और ना ही ये लोग हमारी सुहबत में रहे हैं, यानी ये माबूद बातिला जिनकी इबादत करते हैं, जिनकी ये पूजा करते हैं, ये हमारे पड़ोसी और हमारे सुहबत में नहीं रहे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ चलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इन्होंने ये लोग रहे हो और इस वजह से इनको भी थोड़ी बहुत कुछ हासिल हो गई है, इसलिए इनकी पूजा की जाए, नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास भी नहीं रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ नहीं रहे हैं। बल मत्ताना हाउलाई वआबाहुम हत्ता ताला अलैहिमुल उम्र अफला यरून अन्ना नअतिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा अफहुमुल गालिबून, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि इनके कुफ्र करने के बावजूद, शिर्क करने के बावजूद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ना करने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, बल मत्ताना हाउलाई वआबाहुम, इन कुफार को, इन मुशरिकीन को हमने दुनिया के अंदर क्या किया, अमवाल से नमाज के रखे हैं जिससे ये फायदा उठाते हैं, बल मत्ताना हाउलाई, बल्कि हम इनको मोहलत करके रखे हैं जिससे ये फायदा उठाते हैं, वह आबाहुम, और इसी तरीके से इनको मोहलत दे करके रखा है और दे करके रखे थे, और इनके आबा और अजदाद को भी हमने मोहलत दे करके रखा था जिससे दुनिया के अंदर फायदा उठाते थे, घूमते टहलते थे, हत्ता ताला अलैहिमुल उम्र, यहाँ तक कि इनकी जिंदगियां बहुत लंबा हुई, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके खानदान में, इनके आबा अजदाद में और इनके नस्ल के अंदर और बताते खुद ये जिस पीढ़ी के अंदर हैं उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्र अता फरमाई, माल दौलत अता फरमाई, नेमत अता फरमाई और तमाम चीजें अता फरमाई। अफला यरून अन्ना नअतिल, उसके बावजूद क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा अफला यरून अन्ना नअतिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, क्या ये लोग इन तमाम चीजों को नहीं देख रहे हैं कि हमने इनको इतनी मोहलत दी हुई है, कि इनके आबा अजदाद भी मुशरिक थे, ये भी मुशरिक है, लेकिन इनके पास अब जब दीन की दावत आ गई है तो अपने आबा अजदाद के दीन को छोड़ नहीं रहे हैं। अफला यरौना, क्या ये लोग अब नहीं देख रहे हैं कि हमने नबी को भेजा है, रसूल को भेजा है जो लोगों को दीन की दावत देता है, तौहीद की तरफ बुलाता है, और उसकी दावत का असर ये है कि लोग दर दिन ब दिन इस्लाम को कबूल करते हुए जा रहे हैं, लोग इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस नबी की दावत को कबूल कर रहे हैं। अफला यरौना, क्या ये लोग इसको नहीं देखते हैं, अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, कि हम जमीन को उसके किनारे से कम करते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जमीन के अंदर जो मुशरिक थे, जो कुफार थे, उन कुफार को, उन मुशरिक को अल्लाह रब्बुल आलमीन कम करते हुए जा रहा है, कि लोग क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं।
अफहुमुल गालिबून, ये इस्तेफहाम क्या है, इस्तेफहाम इनकारी है कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कह दिया है कि इन कुफार को, इन मुशरिक को, इन शिर्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन धीरे धीरे इस दुनिया से कम कर रहा है, तो अब भी इनका गुमान है कि यही लोग गालिब रहेंगे? नहीं, बल्कि यहाँ पर इस्तेफहाम क्या है, इस्तेफहाम इनकारी है, अफहुमुल गालिबून, क्या अभी लोग गालिब रहेंगे? नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये लोग मगलूब हो रहे हैं, मुशरिक और बिदात और खुराफात और कुफर मगलूब हो रहा है, इस्लाम गालिब हो रहा है, इस्लाम फातेह हो रहा है, कुफर और शिर्क बिदात और खुराफात मफतूह हो रहे हैं। अफहुमुल गालिबून। तो आज का दर्स हम इसी पर इक्तफा करते हैं। وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته।